शनिवार है, वेद प्रकाश मेरा छोटा भाई था, क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई है। कहाँ निवासी हो, कहाँ की घटना है ये? मैं 71 बिहारीपुरा प्रेमनगर थाना प्रेमनगर झांसी का निवासी हूँ, और मेरा भाई एक मॉल में काम करता था, कलेक्टर ऑफिस के सामने है सिटी कार्ड। क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के हत्यार को पता लगाया जाए और उनकी उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैंने पुलिस के पास गया था, 20 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि पुलिस ने प्रार्थना पत्र नहीं दिया और बोल रही है कि जब तक फिर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी। और फिर उसके बाद 20 तारीख के बाद 21 तारीख को भी गया, मैंने कहा सर अब तो ले लीजिए आप मेरा प्रार्थना पत्र। पूरा मामला है क्या ये, हत्या कैसे हुई? सर उसके सिर में किसी ने रॉड से वार किया है, और पुलिस कह रही है कि उसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। अगर ट्रेन एक्सीडेंट होता तो ट्रेन क्यों रुकती? अगर ट्रेन रुकी ही नहीं है सर, जब ट्रेन चढ़ जाती और जो भी हथियार है उनने साफ साफ मतलब ट्रेन की पटरी पर डाल दिया है उसे, और एक हादसे का मतलब वो बनाने की कोशिश की गई कि ट्रेन आएगी उसको बदल देंगे। और एक सर मुझे लास्ट संकेतन जो स्वाति अनुरागी है उस लड़की को बुलाया जाए और उस लड़की को पकड़ा जाए। वो मैं चाहता हूँ कि वो लड़की पूरी जानकारी दी जाए और उनके चार दोस्तों से भी एक बार पूछताछ। लड़का लड़की दोनों साथ में थे क्या? हाँ लड़का लड़की दोनों साथ। कितने दिन से गायब थे क्या करते? नहीं नहीं सर, सुबह 11 बजे वही जैसे प्रतिदिन की रोज जाता है। बाकी घटना कहाँ रहने वाले हो? सर मैं 71 बिहारीपुरा प्रेमनगर प्रेमनगर का रहने वाला हूँ। मृतक का नाम बता दो। मृतक का नाम वेद प्रकाश है सर। पुलिस से क्या सहायता चाहती? पुलिस से सहायता मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई के हथियारों को पता लगाया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। घटना कब की है? सर घटना 19 तारीख की है। 19 तारीख रात 11 बजे मेरे पास फोन आया था कि आपके भाई का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। 19 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सर। प्रार्थना पत्र पार्षद जी आपका क्या कहना है? पार्षद जी क्या कहना है आपका? इससे पहले भी न्यूज आई अखबारों में और हम भी गए थे मौका पे, अभी तक सुनवाई कहाँ नहीं हुई, कहाँ तक पूछी पूरी समस्या? देखिए जब ये 19 तारीख को ये घटना हुई तो हम लोग 20 तारीख को सुबह थाना प्रेमनगर गए, थाना अध्यक्ष से हमने बात की और लिखित में उन्हें एक एप्लीकेशन दी कि हम इनके भाई की शनि आयरवार की भाई की वेद प्रकाश की और प्रगोलू की वेद प्रकाश की हत्या हो गई है, आप मुकदमा दर्ज कर लीजिए। तो थाना अध्यक्ष जी बताते हैं कि पीएम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जान दीजिए, हम मुकदमा लिख लेंगे। लेकिन अब पीएम रिपोर्ट भी आ गई तो ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो हम आज एसएसपी महोदय के पास आए हुए थे कि इस मामले की जाँच हो और इसको जांच करके जो दोषी हो उन्हें सजा दी जाए। तो कप्तान साहब ने पूरा भरोसा दिलाया कि इसमें जो दोषी होगा अगर लड़की से ही पूछताछ की जाएगी और दोषी होगा, अगर दोषी अगर है कोई तो भगवान ही मुझसे कहेगा तो मैं उसकी नहीं मानूंगा और मैं उसमें FIR लिखूंगा, अगर निर्दोष होगा तो मैं किसी को सांगूंगा नहीं। हमने कि हम यही चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है।